और पेट कन्वेक्टर हीटर में थर्मल फ्यूज बाईपास करने का तरीका हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें प्लायर, उपार स्क्रू ड्राइवर और कटर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये जो फ्रंट जाली है इसको हम, इसके जो दो स्क्रू है इसको हम खोलेंगे। इसके बाद जो ये जाली है इसको हल्का सा स्लाइड करेंगे और यहाँ से आगे से खींच के निकाल लेंगे इस तरह से। अब ये जो टॉप सपोर्टर है इसको हम खींच के निकाल लेंगे आगे की ओर इस तरह से। और इसके बाद ये जो ब्लू वायर है ओ लग वाला ब्लू वायर है इसको हम यहाँ से काट देंगे। और ये जो वाइट वायर है इसके साथ यहाँ बीच में से ओ लग वाला जो वाइट वायर है इसको काट के यहाँ इसको स्ट्रिप कर लेंगे। ये दोनों वाइट वायर और इसके साथ ये ब्लू वायर जो है इसको हम जोड़ देंगे। इस तरह से ये बाईपास हो गया है। अब हम इसको फिटिंग करेंगे। कैप को अच्छी तरह से रख देना है। और इसके बाद ये जो जाली है इसका जो बड़ा भाग है इसको ये राइट साइड में फिट करेंगे। सबसे पहले जाली को रख देंगे। इस तरह से थर्मल फ्यूज बाईपास हो गया है।